हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म एग्री सिलेक्शन पॉइंट में मैं आरपी यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, जिसका कारण आप सब जानते हैं। तो चलिए, जो भी सिचुएशन रही हो उन सिचुएशनों को देखते हुए आज हम आपको वापस से आपकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ सके। आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपका जो मृदा विज्ञान, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल अपन कह सकते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बारीकी से जीरो लेवल से अपन बात करने वाले हैं आपके मृदा विज्ञान के। तो सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपना जो सेशन सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब जो भी आपकी जो क्लासे रिमेनिंग थी या जो भी आपका सिलेबस था वो कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए, समय मुश्किलों का है लेकिन काटना आपको मुस्कुरा के ही पड़ेगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग कर रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान जो है आपका, सबसे पहले बात करें कि जो मृदा विज्ञान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अपने समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि किस प्रकार के जो आपके कृषि प्रवेशक में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम थी उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को अपन डिटेल से किस प्रकार से सॉल्व कर सकेंगे, तो ये क्लास देखने के बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मृदा विज्ञान की। मृदा विज्ञान में शब्द जो है आपका मृदा, मृदा शब्द है। अगर अपन बात करें किताब की लैंग्वेज की, तो मृदा जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन। इसमें जो भाषा है वो है आपकी लैटिन। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम। कौन सा शब्द है आपका? सोलम। देखिए, यहां अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कि आपका जो लैटिन भाषा का शब्द है मृदा विज्ञान में, मृदा शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिससे मिलके बना है, जिसका अपन अर्थ अगर देखते हैं, अगर अपन इसको अर्थ में देखें तो इसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। क्या होता है इसका मतलब? फ्लोर या फर्श। अब देखिए, ये तो आपकी बात हुई जो किताब की लैंग्वेज की है उसकी, लेकिन यहां से स्टूडेंट्स आपको सही तरीके से मृदा को समझना है कि किस प्रकार से कौन सी चीज को अपन मृदा बोल सकते हैं। आपने किताब में जो लिखा हुआ है वो तो समझ लिया कि यहां पे मृदा विज्ञान में दो शब्द है, एक मृदा और एक विज्ञान। जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और ये शब्द है सोलम, जिसका अगर अपन अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। लेकिन यहां से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपन बात करें प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो जो सोलम है, जिसका मतलब यहां पे आपको फ्लोर या फर्श बताया जा रहा है, अगर ये किसान की दृष्टि से देखा जाए, अगर इसको अपन देखते हैं, ये तो अपन ने किससे देखा कि जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। यहां पे बात की जाए किसान की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पे मृदा बोला जाता है भूमि की ऊपरी परत को। किसको बोल रहे हैं? भूमि की ऊपरी परत को अपन क्या बोल रहे हैं? मृदा, जिसमें कृषि कार्य किया जा सके। यानी कि अगर बात करते हैं मृदा विज्ञान को, अगर आप अर्थ में देखते हैं, किसान की दृष्टि से देखते हैं, तो आपकी जो मृदा है वो क्या है कि भूमि की वह ऊपरी परत जिसमें किसान जो है कृषि कार्य कर सकता है, यानी उसमें जुताई करके उसको फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त बना सकता है। तो यहां पे दो शब्द आए हैं, एक है आपका भूमि और दूसरा है आपका मृदा। अब देखिए, यहां पे बात करें भूमि, जैसा कि आप जानते हैं जो आपका स्थल मंडल है, थल मंडल जिसको बोलते हैं, उसकी सबसे ऊपरी परत जिसको अपन भूमि के रूप में जान रहे हैं, लेकिन यहां पे जो इस भूमि की ऊपरी 15 सेंटीमीटर वाली जो परत है, यहां पे बात कर रहे हैं कि जो ऊपरी
कि 15 सेंटीमीटर वाली जो परत है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो किसान है वो कृषि कार्य कर सकते हैं, फसल जो है उसको लगाने के लिए मृदा को उपयुक्त बना सकते हैं। तो अब जो है इसकी अपन परिभाषा की ओर चलते हैं कि मृदा विज्ञान जो है अपन किसको बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए एक एक पॉइंट करके अपन देखते हैं कि आप मृदा विज्ञान किसको बोलेंगे। चलिए यहां पे बात कर रहे हैं, दो शब्द आए हैं, एक आया आपका भूमि और एक आया है आपका मृदा। ये तो अपन ने बात कर ली कि भूमि की सबसे ऊपरी परत है, अपन ने बात की कि भूमि की सबसे ऊपरी परत है। अब देखते हैं इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से बन सकती है। अब यहां पे देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि मृदा क्या है, एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। यानी अगर बात करी जाए इसकी जो विमाएं देखी जाए तो विमाएं अपन देखते हैं तो ये किस प्रकार का है आपका त्रिविमीय, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक 3D स्ट्रक्चर है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर इसको देखें अपन तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या होगी, गहराई। यही मेन डिफरेंस होता है आपके जो भूमि और मृदा होती है उसमें मुख्य जो विशेषता है या जो अलग से कोई चीज है वो ये है। अब देखिए यहां पे मृदा का गुण देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की है, किस प्रकार की है, एक त्रिविमीय यानी कि 3D बॉडी है। इसमें लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई और गहराई अपन देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पे आपके भूमि की अगर बात करे जाए तो भूमि में अपन क्या क्या देख रहे हैं, देखिए भूमि में अब सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है। यानी कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं जिसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह, कोई भी मकान वगैरह बनाना चाहते हैं, तो यहां पे सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस किया जा रहा है और वो चीजें आपके किस में आ रही है, लंबाई और चौड़ाई में। अगर बात की जाए तो भूमि एक किस प्रकार की है, भूमि एक 2D स्ट्रक्चर है यानी कि द्विविमीय है, जबकि मृदा क्या है आपकी, त्रिविमीय पिंड होता है। यहां पे आपका सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा एक किस प्रकार की पिंड है या किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की संरचना है। तो यहां पे इसमें लंबाई, चौड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट है गहराई। अब देखिए यहां पे अपन बात करें, भूमि में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखी जा रही है, यानी इस पे कोई भी आप मकान वगैरह बना सकते हैं, कोई भी हाईवे बना सकते हैं, कोई भी पुल बना सकते हैं। लेकिन मृदा में जो आप अलग से चीज देख रहे हैं वो है इसकी गहराई। यानी किसी भी मृदा में अगर गहराई नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अगर गहराई नहीं है, तो उसमें कृषि कार्य जो है अपन अगर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट अपन ने देखा कि मृदा क्या है, एक त्रिविमीय संरचना है। दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या है आपका, एक प्राकृतिक पिंड है। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का पिंड है। पहली चीज देखी त्रिविमीय है, दूसरा पॉइंट अपन ऐड कर रहे हैं इसमें वो क्या है कि एक प्राकृतिक पिंड है। इसका मतलब सीधा और सिंपल यही होगा कि यहां पे इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो हुआ है वो किस रूप से हुआ है, प्राकृतिक रूप से। किस रूप से हुआ है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो भी मृदाएं बनती है वो प्राकृतिक रूप से बनती है, कृत्रिम रूप से अपन किसी भी प्रकार की मृदा है उसको बनाना चाहें तो अपन बना नहीं सकते। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया कि इसमें क्या है कि त्रिविमीय है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। दूसरा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक पिंड है, इसका निर्माण जो हुआ है, इसका अगर अपन बात कर रहे हैं, इसका निर्माण जो हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट ऐड करने वाले हैं वो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रहा है, किस प्रकार से निर्माण हो रहा है ये अपन आगे देखने वाले हैं। पहला अपन देखते हैं कि ये एक प्रकार से गतिशील है,
गतिशील का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो मृदा बन रही है वो दूसरे स्थान पे चली जा रही है, इस प्रकार की गति नहीं कर रही है। गतिशील का मतलब है कि इसका जो निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रहा है वो निरंतर होता है। किस प्रकार से होता है? निरंतर, यानी कि इसका निर्माण जो है चलता रहता है, लगातार जो आपकी चट्टाने हैं उनका अपक्षय होता रहता है। आगे अपन देखने वाले हैं किस प्रकार से मृदा का निर्माण होगा। यहाँ पे आप ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे कि ये एक प्रकार से गतिशील पिंड है, इसका जो निर्माण प्राकृतिक रूप से चल रहा है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो मृदा है वो आपके जो पादप है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पादपों के लिए क्या है, पादपों के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का काम करती है। प्राकृतिक माध्यम यानी कि पौधे को लगाने के लिए, पौधे को अपन लगाना चाहें तो पौधे को लगाने के लिए आपके पास में जो माध्यम है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पोषक तत्व, ये शब्द आप जानते होंगे। पोषक तत्व का मतलब होता है कि पौधे को जीवित रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऐड हो रहा है वो ये है कि जो भी आपकी जो मृदाएं हैं, जो भी आपकी मृदाएं हैं वो पादपों के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा कि यहाँ पे आप प्राकृतिक माध्यम जिसको बोल रहे हैं, और ये माध्यम पौधे को क्या क्या देगा, पोषक तत्व देगा। सिंपली अगर बात करते हैं पोषक तत्व में अपन देखते हैं, पहला ही है आपका मृदा जो है पौधे को क्या देती है, खनिज पदार्थ देती है। पहली चीज़ क्या देती है, खनिज पदार्थ देती है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, क्या दे रही है यहाँ पे, कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा पौधे को और क्या चाहिए, जल और वायु। तो देखिए यहाँ पे आप समझना चाहेंगे कि माध्यम का मतलब क्या हुआ, कि जो पौधा है जो उसकी आवश्यकताएं होती है उसमें पोषण के लिए, उसमें जो पोषण है उसके लिए, तो यहाँ पे उसको खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं कि पौधे के वृद्धि के लिए लगभग 16 प्लस निकिल यानी कि 17 कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये आपको कौन प्रदान कर रहा है यहाँ पे, इन खनिज पदार्थों के माध्यम से मृदा पौधे को प्रदान कर रही है। साथ ही आप जानते हैं कि मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ या जिसको अपन बोल सकते हैं जीवांश पदार्थ जिसमें जीवों का अंश होता है, और यहाँ पे पौधे को ये दोनों जो मिलके क्या देते हैं, पोषण देते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो पौधे के लिए जो जल है और वायु है वो भी पर्याप्त मात्रा में मृदा के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि पादपों के लिए मृदा क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम का काम कर रही है। माध्यम का मतलब यही है कि जिसमें पौधे हैं वो उग सके और पोषक तत्व प्राप्त कर सके। इसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने सुना होगा, हाइड्रोपोनिक्स एक शब्द है। हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं, आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, आपने सुना होगा कि जो पौधे हैं उनको कृत्रिम रूप से एक माध्यम तैयार करके जिसमें सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु उपलब्ध करवाए जाते हैं और उसमें मृदा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हाइड्रोपोनिक्स और आपकी जो मृदा में पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उम्मीद करूँगा कि आप सब आंसर करेंगे कि मृदा क्यों आवश्यक है, बिकॉज अपन बिना मृदा के भी खेती कर सकते हैं। बिना मृदा के खेती करना या मृदा विहीन खेती करना क्या कहलाता है आपका, हाइड्रो
हाइड्रोपोनिक्स, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज यहां पे मृदा में एक और गुण होता है जो आपके हाइड्रोपोनिक्स में आप नहीं कर सकते। तो एक बार बताएंगे कमेंट करके। चलिए, काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, काफी राइट आंसर भी दे रहे हैं। कुलदीप कुमार बोल रहे हैं, सहारा देते हैं, बिल्कुल। ओके, चलिए, यहां पे बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें तो मृदा पौधे को उपलब्ध करवाती है, ये सारी चीजें तो मृदा जो है वो उपलब्ध करवाती है, लेकिन एक चीज आप बोल सकते हैं, सहारा जिसको बोल सकते हैं, जो पौधे को मृदा द्वारा बिना किसी पे के, बिना किसी ऊर्जा खर्च करते हुए उपलब्ध करवाया जाता है, जो गुण मृदा में एक विशेष रूप से होता है। यहाँ पे जो यांत्रिक रूप से सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है मृदा द्वारा पौधे को, तो ये विशेषताएं होने के कारण यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि मृदा एक त्रिविमीय पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। साथ ही अपन बात कर रहे हैं कि ये एक प्राकृतिक पिंड है, ये एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण जो है, निर्माण की अगर बात कर रहे हैं तो निर्माण जो हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी सारी चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पे मृदा जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। चलिए, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रहा है, कृत्रिम रूप से आप मृदा जो है अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप नहीं बना सकते, क्लियर। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं कि ये गतिशील पिंड है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि गतिशील होने का मतलब ये है कि इसका निर्माण जो है वो निरंतर चलता रहता है, इसका जो निर्माण है वो निरंतर चलता रहता है, इसका निर्माण रुकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि ये पादपों के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का काम करती है, और माध्यम को मैंने अच्छे से समझा दिया है स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से माध्यम पौधों के लिए, या जो पौधे हैं उनको किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स अपने देखे हैं, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मृदा विज्ञान को अपने देखा है कि किस प्रकार से परिभाषा अगर बनाए तो मृदा क्या है, एक त्रिविमीय प्राकृतिक गतिशील और ऐसा माध्यम है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि भूमि की वह परत, भूमि की वह ऊपरी परत जिसमें किसान कृषि कार्य कर सकता है, और उसमें कई सारी विशेषताएं होती है जिसमें अपन ने बात की, त्रिविमीय पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, इसके साथ ही वो एक गतिशील पिंड होने के साथ साथ पोषक तत्वों का भंडार है, या पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जैसा कि मृदा विज्ञान को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो इसकी अध्ययन में स्टूडेंट्स को बाधा ना हो, इसके लिए मृदा विज्ञान जो है उसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो यहां पे अगर बात की जाए इनकी शाखाओं की, यहां पे बात की जाए शाखाएं, यहां पे शाखाएं अगर देखते हैं, बिकॉज मृदा विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझ पाने के लिए अलग अलग समझाना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी बनाना, इसकी आवश्यकता जो आपके वैज्ञानिक हैं उनको महसूस हुई, तो मुख्य रूप से मृदा विज्ञान को दो शाखाओं में विभेदित किया। अब देखिए, यहाँ पे पहली शाखा है उसको नाम दिया उन्होंने पैडोलॉजी, ठीक है। दूसरा अगर बात कर रहे हैं वो है आपकी एडाफोलॉजी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मृदा विज्ञान को कंप्लीटली पूर्ण रूप से समझने के लिए जो वैज्ञानिक थे कई प्रकार के, उन्होंने मृदा विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा ताकि आप सभी जो है इसको अच्छे से समझ सके। अब देखिए, यहाँ पे इसमें
क्वेश्चन आपके जो पूछा जाता है, देखिए कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा फास्ट होते हैं, वो बेसिक चीज़ों पर तरफ फोकस नहीं करते हैं, और एडवांस चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। अब आप बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं मुख्य उद्देश्य जो आपका है क्लास का, वो है आपका कृषि प्रवेशक। तो उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ईजी पूछे जाते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट का ये भी जवाब होता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से आप सुनेंगे, जैसा कि मैं सुनता हूँ कि सर ज़्यादातर जो क्वेश्चन हुए हैं वो आने वाले गलत हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर आपके जो चीज़ें आपको ईजी लगती है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप डी फीडर नहीं बनिए। हो सकता है कि आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट और कुछ क्या मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर ट्वेल्थ पास है, तो उनको पता नहीं रहता है, उनको आइडिया नहीं रहता है कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी दो शाखाएँ हैं और इन दोनों शाखाओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं और आप इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी पैडोलॉजी। जैसा कि इसकी परिभाषा में अपन ने देखा कि मृदा विज्ञान जो है एक प्राकृतिक पिंड है, इसका निर्माण जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मृदा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है या उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ तो अपन ने देखी कि मृदा जो है उसका निर्माण हो रहा है यानी उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट है इसकी उत्पत्ति। अब देखिए मृदा का जो निर्माण होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। आगे अपन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन देखते जाएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग चट्टाने, अलग अलग प्रकार के खनिज मृदा को बनाते हैं। तो जो बनेगी, जो मृदाएं प्राकृतिक रूप से जो मृदाएं बनेगी वो सभी प्रकार की समान नहीं होगी। तो अलग अलग का क्या अपन पढ़ेंगे, वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं बन रही है उसका अपन क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। अब देखिए मृदा की उत्पत्ति हो रही है, किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की मृदाएं होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा इसमें, दूसरा पॉइंट ये ऐड हो जाएगा कि मृदा का वर्गीकरण हो जाएगा अलग अलग प्रकार की मृदाएं, जैसा कि आप नाम सुनते हैं काली मृदाएं, भूरी मृदाएं। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो ये काली, भूरी, लाल, पीली जो भी मृदाएं होती है, हल्की मृदाएं, भारी मृदाएं, इनका क्या होता है, एक विशेषता होती है। इनकी क्या होती है, विशेषता अपन बोल सकते हैं, विशेषताएं अपन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इनका वर्णन। तो यहां पे सबसे सिंपल तरीके से आपको देखना है स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि पैडोलॉजी जो शब्द है या पैडोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें मृदा की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उसकी विशेषताएं या वर्णन का अध्ययन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा का उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और विशेषताओं का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मृदा विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से निर्माण होने वाली जो मृदाएं हैं उनका अध्ययन अपन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वो मृदाएं बनी हैं, कौन कौन से कारक उन्होंने, कारकों ने जो है कार्य किया है, और जिन प्रकार के कारकों ने कार्य किया है तो अलग अलग प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार की निर्माण होने के साथ साथ उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती है, अलग अलग उनकी, अलग अलग उनके गुण होंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं
उत्पत्ति, वर्गीकरण और विशेषताएं, यानी विशेषताओं का जो वर्णन है वो अपन पढ़ रहे हैं पैडोलॉजी में। तो आपको ये फोकस करना है कि पैडोलॉजी में अपन क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसमें आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडाफोलॉजी। दूसरी जो शाखा है मृदा विज्ञान की वो है एडाफोलॉजी। अभी तक अपन ने किसी भी प्रकार से पादप जो है उसका नाम नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि मृदा विज्ञान की जो परिभाषा है उसमें एक शब्द देखा, तो पैडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? पैडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है। क्या है आपका? प्राकृतिक माध्यम। यानी कि पैडोलॉजी जो शाखा है वो ये बताती है कि मृदा का जो निर्माण हुआ है, किस प्रकार का निर्माण हुआ है वो अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना देख रहे हैं कि पैडोलॉजी के अनुसार मृदा विज्ञान में कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पैडोलॉजी के अनुसार मृदा विज्ञान का जो पॉइंट है कि ये प्राकृतिक माध्यम है, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, किस प्रकार से निर्माण हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मृदाएं होती है, ये सारी चीज़ें अपन पैडोलॉजी में कंप्लीट आगे पढ़ेंगे। चलिए दूसरा है आपका एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो एडाफोलॉजी में आपका जो अध्ययन मृदा का होता है वो होता है पौधों के संबंध में। पौधों के संबंध में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं इसको, कि स्टूडेंट आपको अगर पूछा जाता है कि मृदा का अध्ययन अगर अपन बात करें पौधों के संबंध में, पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन जो है वो आप किस शाखा में कर रहे हैं, वो आप एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सिंपली यहाँ से यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि पैडोलॉजी में अध्ययन किस में, पैडोलॉजी का जो है उसको अपन डिटेल में देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और एडाफोलॉजी में अपन देखते हैं तो उसमें अपन क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये दो चीज़ें आप क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एडाफोलॉजी के अनुसार मृदा विज्ञान क्या है, तो यहां पे ये एक प्राकृतिक माध्यम है। ठीक है, यहां पे प्राकृतिक माध्यम है, यहां पे बात कर रहे हैं ये क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि यहां पे पैडोलॉजी क्या है, प्राकृतिक पिंड है जिसका कई प्रकार से चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हो रहा है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि एडाफोलॉजी के अनुसार मृदा विज्ञान क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम है। माध्यम का मतलब मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया कि इसमें पौधे के लिए जो पोषक तत्व है उनको उपलब्ध करवाने की जो शक्तियां हैं वो निहित होती है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, मृदा में जो यांत्रिक सपोर्ट, सहारा प्रदान करने की जो क्षमताएं होती है उसके कारण मृदा जो है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कितना रिस्क में आके आपको यहाँ पे टीचर्स लेक्चर अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये जो फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे को वो ना करें। अदरवाइज टेक्निकल टाइम से अनुरोध होगा कि जो स्टूडेंट्स फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उनको ब्लॉक कर दें। और आप सभी को ये भी पता होगा कि अगर आपको एक बार ब्लॉक कर दिया जाएगा तो दोबारा से आप चैनल पे नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ी बहुत मजाक चलती है, लेकिन अब फोकस करें, आपकी स्टडी पर फोकस करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कैसी सिचुएशंस हैं, कैसी परिस्थितियों में टीचर्स आपको यहाँ आके इतना रिस्क में, और जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर में कितना रिस्की जोन है, तो वहाँ आके आपको टीचिंग जो है अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके, चलिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा बहक जाते हैं और बहकना स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लोकेश गुजर बोल रहे हैं सर मौज कर दी। ओके, मौज तो हमेशा से ही चलती आ रही है जैसा कि आप सभी को पता है, और आप सभी का जो प्यार है, स्नेह है, वही खींच लाया है ऐसी जो कठिन परिस्थितियां हैं उनके।
चलिए चलिए, तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार का आई थिंक इश्यू नहीं होगा कि अपने दो शाखाएं मृदा विज्ञान की देखी है, पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी, और पैडोलॉजी में अपन क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपन देखते हैं। तो सिंपली यहीं से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि पैडोलॉजी में क्या अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे अध्ययन अपन पैडोलॉजी में कर रहे हैं। और यहाँ पर पौधों के संबंध में अगर इसका रिलेशन प्लांट के केस में, सॉइल का जो स्टडी है अपन प्लांट के केस में करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सा आपका आंसर हो जाता है इडेफोलॉजी। चलिए, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट से, जैसा कि आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको जो सस्य विज्ञान है तो उसमें इसी सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं, इसी पार्ट से मिलने वाले हैं। तो इस पार्ट को थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और मेरी उम्मीद है कि आप इस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो राइट करके आएंगे। ओके, एलेक्स डामोर बोल रहे हैं, बोस जी आपको देख के लाइव बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार से सुबह से शाम तक हमारी क्लास के लिए नेट बचा के रखते हैं और फिर देखते हैं। चलेगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ये अपन ने देखी कि मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, और इसमें पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी कौन सी शाखा में क्या अध्ययन कर रहे हैं ये अपन ने देखा। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि मृदा जो है उसको थोड़ा सा अगर अपन एक्सप्लेन करें, अपन ने देखी कि चीज क्या है, ये निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से। इसका निर्माण कैसे हो रहा है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हो रहा है। तो सिंपली आपको बिल्कुल सही तरीके से और ईजी तरीके से बताता हूं कि किस प्रकार से आपका जो मृदा का निर्माण हुआ है किस प्रकार से होता है। तो आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी, देखिए नाम सुना होगा आपने ज्वालामुखी, यानी कि जो पृथ्वी का जो गर्भ है, जिसको अपन भूगर्भ बोलते हैं, उसमें से जो गर्म और तरल जो निकलता है उसको अपन बोलते हैं लावा। ये भी आपने सबने देखा होगा, रियल में नहीं तो मूवीज वगैरह में देखा होगा लावा। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहे हैं कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, उसको अपन थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो यहां पे जो पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म और तरल पदार्थ निकलता है उसको अपन बोल रहे हैं लावा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि ये लावा जो निकलता है इसमें कई प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे हैं कि मृदा में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इन खनिज पदार्थों के द्वारा ही मृदा में वो शक्ति होती है जो पोषक तत्व उपलब्ध करवा सके। ठीक है, तो यहां पे जो लावा होता है उसमें कई प्रकार के खनिज जो है मौजूद होते हैं, और ये कैसा होता है आपका, गर्म होता है और तरल होता है। गर्म और तरल जो पदार्थ ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लावा। ओके, अब बात करते हैं कि जो लावा निकला है वो गर्म है और तरल है, कई प्रकार के खनिज पदार्थों से मिलके बना है, कई प्रकार के खनिज पदार्थ इसमें मौजूद है। अब बात करते हैं ये जब ठंडा होता है तो ये ठोस रूप ले लेता है और वो क्या बनाता है आपका, चट्टान। वापस से देखिएगा, ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाला एक प्रकार का तरल पदार्थ जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं, और इसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं और इन्हीं खनिज पदार्थों के द्वारा जो है पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये गर्म होता है, तरल होता है, और जैसा कि यहाँ पे इसका तापमान कम होता है तो ये ठोस रूप में, तरल से ठोस रूप में परिवर्तित होता है और ये किसका निर्माण करता है आपका, चट्टान। ठीक है, इसी प्रकार से चट्टान जो है उसका अपक्षय होता है, उसका क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, और उससे एक कच्चा पदार्थ बनता है। कच्चा पदार्थ बोले तो यहाँ पे जिससे मृदा का निर्माण होगा, जिससे मृदा का निर्माण होगा, सीधा मृदा का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि तरल जो है
उसको अपन लावा बोल रहे हैं, अगर उसी ने ठोस रूप ले लिया तो उसको क्या बोल रहे हैं, चट्टान। इसके बाद में यहां तक तो क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, चट्टानों का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहां पे इसका जो अपक्षय हो रहा है, यानी इसका जो टूटना, अपक्षय की बात करें इसमें भौतिक रूप से, ठीक है, रासायनिक रूप से और जैविक रूप से, तीनों रूपों में इसका विच्छेदन होगा, इसका जो है अपक्षय होगा, जिसको अपन बोल रहे हैं चट्टानों का अपक्षय, और इससे एक पदार्थ बनेगा जिसको अपन ने नाम दिया है रिगोलित। कई बार पूछा जाता है कि रिगोलित क्या है, तो मृदा जो आपका बन रहा है उसके लिए अपन बोल सकते हैं कच्चा पदार्थ जो चट्टानों के टूटने से बना है। और चट्टाने किस प्रकार से टूट रही है, भौतिक रासायनिक और जैविक रूप से आपकी चट्टाने हैं वो टूट रही है। निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो रिगोलित है, ये जो आपका रिगोलित है, इस रिगोलित से आपकी मृदा का निर्माण होता है, इस रिगोलित से आपकी मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से अगर आप समझा जाए तो मृदा विज्ञान का, या मृदा जो है उसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रहा है। और यहाँ पे ज्वालामुखी जिसका तरल पदार्थ लावा कहलाता है, और ये तरल होता है, इसका टेम्परेचर जो है, इसका तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब यहाँ पे ये ठंडा होता है तो ये चट्टान का रूप ले लेता है, ठोस रूप ले लेता है। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, निर्माण, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका विनाश। विनाश जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भौतिक रासायनिक और जैविक तरीके से इसका विनाश होगा, और विनाश के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है जिसको अपन बोल रहे हैं रिगोलित। क्लियर। तो रिगोलित क्या है, मृदा निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ अपन बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब आपकी जो बनी है वो बनी है मृदा, और मृदा को आप पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से मृदा क्या है, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखिए वर्ष 2015 जो है, पहले जो है इतना फोकस नहीं किया जाता था आपकी जो मृदा विज्ञान का, और जैसा कि आपके आजकल सिलेबस में भी अलग से ही मृदा विज्ञान के जो टॉपिक हैं उनको दर्शाया जाता है, और क्वेश्चंस भी आप देख पाते हैं कि कई सारी जो एग्ज़ाम है उसमें मृदा विज्ञान में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका 2015 जो वर्ष था, वर्ष 2015 है, उससे मृदा विज्ञान पे या जो मृदा डिपार्टमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आपने एक नाम सुना होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक नाम सुना होगा आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, और 2015 से ये जो है आपको नाम सुनने को मिल रहा होगा। तो आइए आप इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली कई एग्ज़ाम हुई है उनसे जो अपन पेपर देखते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए, बिकॉज अपन मृदा विज्ञान के बारे में बिल्कुल जो महत्वपूर्ण सिंपल जो जानकारी है, सिंपल जो जानकारी है वो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, उनको आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे एक शब्द है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और ये आपका 2015 अगर अपन बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये जो कार्ड है वो लॉन्च किया गया, और ये अपन बात करें आपका 19 फरवरी 2015 से। तो पहली चीज़ तो ये देखनी है कि इसकी शुरुआत जो है वो किसने की। तो 2015 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19 फरवरी 2015 को ये प्रारंभ किया गया राजस्थान के गंगानगर से, और गंगानगर में बात करते हैं सूरतगढ़। तो यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है स्टार्ट हुआ, कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसका स्टार्टिंग या उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई। तो
यहाँ पे 19 फरवरी 2015 आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये आपकी जो स्कीम है या ये जो कार्ड है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के गंगानगर, और गंगानगर में बात करते हैं जो सूरतगढ़ तहसील है, वहाँ से इसको प्रारंभ किया गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप मुद्दा को समझ चुके हैं, और दूसरा पॉइंट है इसमें स्वास्थ्य। ज़्यादातर जो किसान हैं उनको सही प्रकार से कृषि की जो जानकारी है, पौधे को कौन कौन सा पोषक तत्व चाहिए होता है, उनकी जानकारी सही प्रकार से उपलब्ध नहीं होने के कारण जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 तक जो है किसानों की आय जो है उसका जो दो गुना करने का जो कंसेप्ट चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2015 से ये फोकस किया गया कि मृदा जो है, क्योंकि मृदा में ही आप जो भी फसलें लगा रहे हैं उनका उत्पादन कितना होगा, उत्पादन कम होगा या ज़्यादा, ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है आपकी मृदा पे। जैसा कि आपने देखा कि मृदा एक पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का काम करती है, और माध्यम अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड वर्ष 2015 में मुख्य आपके जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसके लिए एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया, वो था आपका स्वच्छ धरा खेत हरा। इसको आप समझेंगे कि इस स्लोगन से क्या स्पष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि मृदा जो है पौधों के लिए एक माध्यम का काम कर रही है, पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है वो डिपेंड करता है कि पौधे की जो वृद्धि है ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर मृदा में पोषक तत्व नहीं है तो पौधे की वृद्धि भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रकार का इस प्रकार का ब्यौरा होता है या इस प्रकार की डिटेल, जैसा कि आप राशन कार्ड देखते हैं और राशन कार्ड में जो भी आपको राशन मिलता है उसकी पूरी डिटेल की ये आपको इस तारीख को दिया गया, ये ब्यौरा होता है, उसी प्रकार का एक कार्ड जो है वो प्रारंभ किया गया है वर्ष 2015 से, जिसमें मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होती है। अगर इसके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो मृदा का जो स्वास्थ्य है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से इसमें किसको फोकस किया जाता है, पोषक तत्व। मुख्य रूप से आपकी जो मृदा है उसमें पोषक तत्व जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है स्वच्छ धरा और खेतरा, अगर यहाँ पे मृदा जो है वो स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ नहीं होने के कारण पौधे को जो पोषक तत्व है, पौधे को जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो मृदा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कार्ड जो है वो जारी किया गया है, और इसमें मृदा का जो स्वास्थ्य है उसके 12 पैरामीटर, इसमें जो है मृदा संबंधित जो जांच अपन बोल सकते हैं कि मृदा की स्वास्थ्य से संबंधित जो जांच है उनको ध्यान में दिया जाता है, और यहाँ पे 12 पैरामीटर जो है उनकी जांच होती है। 12 पैरामीटर जो है उनकी जांच होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इसके साथ ही इसके जो आपकी ईसी है, पीएच है, ईसी, पीएच और ओसी, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित जो जांच हैं, जिसमें टोटल 12 जांच जो है उनको सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व हैं, और पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें ईसी, पीएच और जो ऑर्गेनिक कार्बन है उनको जाँचा जाता है, और जाँचने के बाद में जो मृदा की स्थिति होती है, जो मृदा की स्थिति होती है वो इस प्रकार के कार्ड में जो है यहाँ पे इस प्रकार से कॉलम्स बने होते हैं, तो उन कॉलम्स में उनकी एंट्री कर दी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे सिंपली अपन समझना चाहें, ये कॉलम है नाइट्रोजन का और यहाँ पे देखा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है या नाइट्रोजन की अधिकता है, तो यहाँ पे बता दिया जाता है। जैसे सिंपली यहाँ पे इस कॉलम में बता दिया जाता है कि नाइट्रोजन कम है तो लिख दिया जाता है। साथ ही इसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है, सही प्रकार से किस प्रकार इसको सुधारा जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पे रिमार्क्स किए जाते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन की कमी है तो आप सब जानते हैं कि पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप जो भी खाद उर्वरक जो भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जो मृदा की भौतिक दशाएं हैं ईसी पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन, अगर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कम है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एफआईएम है, गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर सिंपली नाइट्रोजन की कमी है तो सीधा आप यूरिया डाल सकते हैं। और ये चीज़ आपकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है बनाने की नौबत इसलिए आई कि आप सामान्य तौर पे देखते हैं ये वाला जो रेशियो है एनपीके का जो अनुपात है वो 4:2:1 प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो इस डोज को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने भी देखा होगा, आप भी प्रयोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामीण इलाकों से हैं और सबकी खेती है, तो वो नाइट्रोजन का स्रोत के अलावा फसल को और कोई चीज़ उपलब्ध नहीं करवाते हैं। और जैसा कि आपने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा होगा कि पोषक तत्व में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं कि एक पोषक तत्व की कमी दूसरा पूरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ पाता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को है नहीं, उसको पोटेशियम की आवश्यकता है, लेकिन उसको उपलब्ध जो है वो करवाया जा रहा है जो उसको आवश्यक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस अनुपात को या जो इसका स्वास्थ्य है इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और इसमें जो पोषक तत्व कम है उसी को उपलब्ध करवाया जाए ताकि उत्पादन जो है बढ़ाया जा सके। तो ये आपको मैंने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो कब स्टार्ट हुआ, 2015 में किसके द्वारा किया गया, और इसके लिए जो राजस्थान का गंगानगर जिला है उसकी सूरतगढ़ तहसील है वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। दूसरा अपन बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है आपको मृदा दिवस। अब देखिए यहाँ पे मृदा दिवस की बात कर रहे हैं, मृदा दिवस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 5 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है, इसमें समझाने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, कि अंतर्राष्ट्रीय जो मृदा दिवस घोषित किया गया है तो वो आपके 5 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है या 5 दिसंबर को घोषित किया गया है। साथ ही अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष वो 2015 को। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे जो 5 दिसंबर जो है उसको भूल जाते हैं और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है 19 फरवरी उसको याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डेट बताई जा रही है कि मृदा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जो मृदा दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मृदा वर्ष घोषित किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपको जो मैनमेन वर्ष हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं उद्यानिकी के लिए 2012 है, इसी प्रकार से आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनके लिए 2016 है, मृदा के लिए 2015 है, इस प्रकार के आपको पहले से बताए हुए होंगे। और 19 फरवरी को जो आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसका प्रारंभ किया गया था। तो ये डेट आप याद रखेंगे और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आई होप आप गलत नहीं करेंगे। चलिए इसके अलावा अपन को एक चीज और देखनी है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाया जा रहा है उसमें उसकी वैधता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। वैधता का मतलब ये है कि जैसे आपने एक बार मृदा की जांच करवाई है
उसके बाद में पोषक तत्व अगर आपने ऐड करे हैं उसमें अच्छी प्रकार से, वर्मी कंपोस्ट या जो भी गोबर की खाद वगैरह डाली है, तो उससे उसका रासायनिक, जैविक और भौतिक जो दशा है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे ही अपन डालेंगे तो कुछ दिनों बाद में, तो यहाँ पे इसकी एक बार आपने अगर ये कार्ड बना लिया तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे इसकी वैधता है वो कितनी होती है, 3 वर्ष, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आप कहाँ बना सकते हैं, तो जो निकटतम आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसको आप KVK बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पे आप सिंपली जो है इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कृषि प्रवेशक होते हैं वो मृदा का नमूना लेते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि वर्ष 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी प्रकार की जो मृदा की जांच होती है, किसी भी प्रकार की जो मृदा की जांच होती है उसमें मृदा का जो नमूना लिया जाता है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा नमूना, और यहाँ पे नमूना जो होता है उसका वजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका वजन जो 2012 में पूछा गया, तो जो भी आपका नमूना लेंगे उसका वजन है वो 500 ग्राम होता है। ज़्यादा है चाहे कितना ही खेत आपका बड़ा है, तो उसमें नमूना केवल जो लेंगे वो 500 ग्राम मृदा ही लेंगे, इससे ज़्यादा नमूना नहीं लेते। अब बात आती है कि जो आपका स्वास्थ्य कार्ड है यहाँ पे आप KVK में बनवा सकते हैं, और इसके लिए जो मृदा नमूना है, आप स्वास्थ्य कार्ड के लिए अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है, अगर बात की करें आपके क्षेत्र है सिंचित, क्षेत्र है आपके सिंचित, तो सिंचित क्षेत्रों में एक नमूना लिया जाता है आपका 2.5 हेक्टेयर से। वापस से फोकस कीजिएगा, अगर आपका क्षेत्र जो है वो सिंचित है, सिंचित क्षेत्र है, उसमें नमूना यहाँ पे आपने लिया है, नमूना का वजन, नमूने के वजन कितना हो गया, 500 ग्राम। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि अगर सिंचित क्षेत्रफल है या जो आपकी ज़मीन है वो सिंचित है, तो वहाँ पे 2.5 हेक्टेयर, यहाँ पे फोकस कीजिएगा हेक्टेयर है, एकड़ नहीं है, और आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल है वो 2.5 हेक्टेयर में आप एक नमूना लेंगे 500 ग्राम का। इसी प्रकार से अगर बात कर रहे हैं असिंचित है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, असिंचित है, तो वहाँ पे आप एक नमूना लेंगे 10 हेक्टेयर से, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाया जाता है उसमें जो मृदा का नमूना लिया जा रहा है, नमूने का वजन रखा जा रहा है 500 ग्राम, सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ पे 2.5 हेक्टेयर से आप एक नमूना ले सकते हैं, और अगर असिंचित क्षेत्रफल है तो वहाँ पे 10 हेक्टेयर से एक नमूना जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अपन बात करें तो जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसकी वैधता मैंने आपको बता दी है, 3 साल बाद में आप दोबारा से सैंपल लेंगे, और जो आपका KVK है, निकटतम KVK हैं, या जो भी मृदा अनुसंधान केंद्र है अगर निकटतम है, तो वहाँ पे मृदा की जांच करवा सकते हैं, और जांच करवाने के बाद में जो है अपना जो स्वास्थ्य कार्ड है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये आधार है किसी भी प्रकार के फसल उत्पादन को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, और वैज्ञानिक तरीके से आप किस प्रकार खेती कर सकते हैं, और खेती करने के लिए जो मुख्य रूप से आपके पास में संसाधन है उसमें प्राथमिक संसाधनों में आपकी मृदा ही होती है, कि जितनी अच्छी आपकी मृदाएं रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन होगा। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर पैडोलॉजी का जनक किसमें कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे बात कर रहे हैं पैडोलॉजी जो है उसका जो जनक है वो है एक साइंटिस्ट है, डोकुचेव। और यहाँ पे देखिएगा एक स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो मृदा विज्ञान का जनक अपन मानते हैं वो भी इसी को मानते हैं, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पैडोलॉजी और एडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की शाखा ही है, और इन शाखाओं में मृदा का जो निर्माण है किस प्रकार से हुआ है ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं, और इससे इस पे जो सबसे ज़्यादा काम किया या
मृदा विज्ञान पे जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो अपने को उपलब्ध करवाई वो एक साइंटिस्ट थे आपके डॉकुचेव। इस कारण इनको पैडोलॉजी या फिर अपन बोल सकते हैं कि मृदा विज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। चलिएगा, और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, राजस्थान में पहला जो केवी के है वो फतेहपुर सीकर, और भारत में जो है पांडिचेरी। वीडियो का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आप जैसे जैसे यहाँ पे जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, आपको पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि आप उसको नोट कर सके, और इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड भी होगा। ओके, सभी बोल रहे हैं, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर एक महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है आगे मृदा विज्ञान में किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी जानकारी जो है अपन कल की क्लास